नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी को हराने का दम भरा था, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो उसके बाद सपा बसपा के होश उड़ गए थे, क्योंकि यूपी में शानदार जीत दर्ज करने के साथ ही बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। इसके कुछ दिन बाद एक दूसरे पर आरोप लगाकर सपा बसपा अलग हो गए थे। दोनों के रास्ते जुदा हुए तो एक बार फिर से तीखी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया था। 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश मायावती में खूब वार पलटवार हुआ था, वहीं अब निकाय चुनाव में भी सपा बसपा आमने सामने है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव बसपा को बीजेपी की बी टीम बताने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो भी सपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर रही हैं। जैसे एक ट्वीट में मायावती ने लिखा, भाजपा हो या सपा, सत्ताधारी पार्टियां सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के अलावा साम दाम दंड भेद अनेकों हथकंडे चुनावों में अपनाती हैं, लेकिन प्रबुद्ध और मेहनतकश शहरी जनता द्वारा अपने असली हित, सुख सुविधा, सफाई और भ्रष्टाचार पर अंकुश हित वोट का प्रभावी इस्तेमाल जरूरी है। तो कुछ इस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच तकरार जारी है। इसी बीच सपा सांसद डिंपल यादव ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती पर जोरदार हमला बोला है। डिंपल यादव नगर निकाय चुनाव में प्रचार कर रही हैं और सपा उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बसपा सुप्रीमो पर भाजपा को मदद पहुंचाने का आरोप लगाया है और कहा है कि बसपा समाजवादी पार्टी को टारगेट करती रहती है, जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचता है। गौरतलब है कि यूपी में 4 मई को पहले चरण का चुनाव हुआ और 11 मई को दूसरे चरण का चुनाव होना है। 13 मई को परिणाम आएंगे। देखना होगा कि बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा में किसकी जीत होती है। फिलहाल सुनिए सपा सांसद डिंपल यादव ने और क्या कुछ अपने बयान में कहा है। और हमें ऐसी सूचना मिल रही है लगातार कि यहाँ पे मंत्री लोग आके रुके हुए हैं, जिन्हें आप ये भूमि छोड़ देनी चाहिए, क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग हैं और किसी भी चुनाव में जो जनप्रतिनिधि नहीं है वो यहाँ नहीं रुक सकते हैं। तो मेरी प्रशासन से अपील है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी नियम है, उन्हें वह पालन करें और जो भी बाहर के यहाँ पे मंत्री लोग रुके हुए हैं और जो प्रतिनिधि रुके हैं बाहर के, उन सबको कहें कि वो इस क्षेत्र को छोड़ के जाएं, क्योंकि चुनाव होने जा रहा है और लगातार प्रशासन सरकार के दबाव में है। और अभी जो घटना हुई है करहल में भी, भरनाल में, जहां महिलाओं को डरने मारे गए हैं और प्रशासन चाह रहा है कि चुनाव सही ढंग से ना हो पाए, लगातार यह सरकार और प्रशासन का एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है समाजवादी कार्यकर्ताओं पे, जनता के ऊपर, कि वह वोट डालने के ना निकल पाए, यहाँ पर घर पर चुपचाप बैठ जाए। लगातार संविधान को उत्तर प्रदेश में कुचला जा रहा है और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, जो हमारा हक और अधिकार है। तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का यही उद्देश्य था कि हम अपनी बात आप लोगों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं तक पहुंचा सके। और मैं सबसे अपील करना चाहूंगी कि जिस तरह आपने लोकसभा चुनाव मैनपुरी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और प्रशासन के दबाव में आप नहीं आए, और हमारे समाजवादी कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ में निगरानी रखी और वह प्रशासन से बराबर लड़े और लगातार हम अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में उस समय भी थे और अभी भी हैं, और किसी पे भी कोई भी अगर दबाव बनाता है तो हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार समाजवादी पार्टी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है और सरकार वाले इस बात से थोड़ा डगमगा रहे हैं।